आपके नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीएस पवार ऑफिशियल पर। मैं आपका दोस्त डीएस पवार पहले से स्वागत करता हूं फ्रेंड्स एक और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। फ्रेंड्स, एडब्ल्यूपीएल कंपनी का एक शानदार प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है सिबकडॉर। तो इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है और ये प्रोडक्ट किन चीज़ से बनता है और अपने शरीर के लिए ये किस प्रकार बहुत ही लाभदायक है, ये संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। फ्रेंड्स, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ में आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसे मिस नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है और आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो प्रोडक्ट आसानी से पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप के वीडियो पूरा देखिए तभी आपको ये संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि सिबकडॉर वास्तव में होता क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स अपने को अपनी बॉडी को इससे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। अब बात करेंगे सिबकडॉर जूस के बारे में। देखिए, सिबकडॉर जूस जो होता है इसका काम क्या होता है। सिबकडॉर जूस सिबकथॉर्न से बनता है और सिबकथॉर्न क्या चीज होता है। सिबकथॉर्न, आपने नींबू देखा है तो नींबू का कलर येलो होता है हल्का सा, इसका जो कलर होगा वो नारंगी होगा और साइज में थोड़ा सा नींबू से छोटा, लेकिन काम नींबू से कहीं ज्यादा बड़ा। अब ये कहाँ पे मिलता है, भारत में हमारे लद्दाख में मिलता है, हम वहीं से इसको लेके आते हैं। और सिबकथॉर्न जो होता है ये काम क्या क्या करता है तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा जो शरीर होता है वो बनता कैसे। देखिए, हमारा शरीर जो बनता है वो बनता है आपके अंगों से, और अंग कैसे बनेंगे, वो टिश्यू से बनेंगे, और टिश्यू कैसे बनेगा, वो सेल से बनेगा, और सेल कैसे बनेगा, वो एमिनो एसिड से बनेगा। तो एमिनो एसिड और प्रोटीन, ये दो इंपॉर्टेंट बेस होते हैं हमारे शरीर को बनाने का, शरीर को निर्माण करने का। तो सिबक जूस जो होता है एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, फोलिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और बॉडी का अच्छे से निर्माण होगा। तो इसी वजह से हम लोग सिबकडॉर जूस को इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि मैंने डायबिटिक के केस में बताया था कि जिनको भी डायबिटिक हैं जो लोग, उनको हम इम्यूनिटी के रूप में सिबकडॉर जूस या क्लोरोडॉर जूस देते हैं। तो नंबर वन। दूसरा, इसके अंदर मैं बात करूं अगर विटामिन के बारे में, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और फोलिक एसिड अपना एमिनो एसिड तो है ही है, तो ये हमारे त्वचा के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, यानी मांसपेशियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मांसपेशियों के लिए, यानी जो भी लोग चाहते हैं अपने मांसपेशियों का, उनके लिए बेस्ट है। दूसरा, तीसरा जो होता है डायबिटिक पेशेंट को कंट्रोल भी करता है, यानी शुगर को थोड़ा नॉर्मल रखता है, लिवर के काम को थोड़ा आसान करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। तो दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और खास करके हमारे ब्लड में क्या करता है, ये खून को पतला रखता है, क्योंकि ब्लड आपका जितना गाढ़ा आपकी समस्याएं उतनी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ब्लड जब धीरे धीरे फ्लो करेगा तो आप सुस्त हो जाओगे और एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो उसको इम्प्रूव करने का काम भी सिबकडॉर जूस करता है। तो देखिए कितना अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इसे हम 25 से 30 ml खाने के आधे घंटे बाद और कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए, इसको सप्लीमेंट के रूप में ही लेना है, कार्डियोडॉक के पेशेंट है वो लोग ले सकते हैं, जो लोग अपना मसल्स वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो मसल डॉक पाउडर के साथ ले सकते हैं। स्किन केयर के प्रोडक्ट अगर कोई यूज करता है तो एलोवेरा के साथ भी इसको रख सकता है। तो ये हो गया अपना सिबकडॉर जूस 25 से 30 ml।